My dear students, welcome you all once again. I, Jairam Dwivedi, Assistant Professor at IIT IIT Department, I welcome you all on behalf of SAI AIDS Group. ना क्लस्टरिंग में हमने क्लस्टरिंग पढ़ी, फिर क्लस्टरिंग के बाद के मींस क्लस्टरिंग पढ़ी, फिर के मींस क्लस्टरिंग के बाद हमने जो है ना उनके टाइप्स पढ़े। टाइप्स में आपने हायरार्किकल क्लस्टरिंग पढ़ी, हायरार्किकल क्लस्टरिंग के दो टाइप्स पढ़े, न्यूमेरिकल कर लिया आपने। अब हम आज जो है ना एक और बहुत ही पॉपुलर टर्म है जो कि डेटा माइनिंग में भी यूज होता है, मशीन लर्निंग में भी यूज होता है और हमारे डेटा साइंस में भी यूज होता है, ठीक है ना। तो हम जो है ना उसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए एसोसिएशन रूल, ठीक है ना। एसोसिएशन रूल इज ऑल्सो यूज इन डेटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस ऑल्सो, ठीक है ना। एंड द सेंस ऑफ एसोसिएशन रूल ऑफ ऑल द व्हाट डेटा माइनिंग मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, ठीक है ना। इन सभी में इस एसोसिएशन रूल जो है वो एक ही रहता है, बट हम इसका यूज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में करते हैं अपने उसमें, ठीक है ना। तो एसोसिएशन रूल क्या होता है, एसोसिएशन रूल आर यूज टू फाइंड द कोरिलेशन एंड को अकरेंस बिटवीन डेटा सेट्स, ठीक है। सो एसोसिएशन रूल्स आर बेसिकली अप्लाइड फॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। हाउ वी कैन सेग्रीगेट डेटा, हाउ वी कैन प्रिपेयर अ सबसेट एंड द सेट ऑफ सिमिलर डेटा आर द इंटरडिपेंडेंट डेटा, ओके। एसोसिएशन रूल माइनिंग एज अ नेम सजेस्टेड, एसोसिएशन रूल आर सिंपल इफ देन स्टेटमेंट, ठीक है, बट डिपेंडेंट स्टेटमेंट इफ देन स्टेटमेंट दैट हेल्प्स डिस्कवर रिलेशनशिप बिटवीन सिमिलरिटी इंडिपेंडेंट रिलेशनल डेटाबेसेस और अदर डेटाबेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो एसोसिएशन रूल है इसमें इस टाइप के रिलेशनशिप को माइन किया जाता है, जैसे दो, अगर हम दो इंसिडेंट की बात करें, ठीक है, एक इंसिडेंट है आपका ब्रेड और दूसरा है आपका बटर और तीसरा है मिल्क, ये तीन डिफरेंट चीजें हैं। अगर हम इनकी बात करें तो बटर अलग है, ब्रेड अलग है और मिल्क अलग है, बट अगर हम इन तीनों का रिलेशनशिप लिस्ट करें, ठीक है ना, रिलेट करेंगे इनको, तो किसी ना किसी रूल के बेस पर ये तीनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये जो इंटर रिलेशनशिप हमें फाइंड करना है ये हम एसोसिएशन रूल के थ्रू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब और डेफिनेशन दी हुई है, एसोसिएशन रूल माइनिंग इज अ प्रोसीजर विच एम्स टू ऑब्जर्व द फ्रिक्वेंटली अकरिंग पैटर्न। अब फ्रिक्वेंटली अकरिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो फ्रिक्वेंटली अकरिंग पैटर्न का मतलब ये है, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, सॉरी, यस सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, नो सर अभी क्या सभी को नहीं हो रही है स्क्रीन, हो रही है सर, बेटा आपको नेटवर्क नहीं आ रहा होगा इस वजह से नहीं हो रही होगी, फिर से रिजॉइन कर ले, ओके सर, है ना, ठीक है। तो देखिए एसोसिएशन रूल माइनिंग में क्या होता है कि एसोसिएशन रूल माइनिंग इज अ प्रोसीजर विच एम्स टू ऑब्जर्व फ्रिक्वेंटली अकरिंग पैटर्न और द correlation or association from data sets found in various kind of databases such as relational database, traditional database, ये तो खैर databases की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें data को mine कैसे करना है उनके बीच में relationship का एक example आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी जगह पे क्या हुआ
सपोज दैट आप किसी मॉल में जाते हैं, तो उस मॉल में क्या है कि एक ब्रेड रखा हुआ है। अब अगर आप ब्रेड परचेस करते हैं, ठीक है ना, अब यहाँ पे एसोसिएशन की बात कैसे आती है। अगर आप ब्रेड परचेस करते हैं, उसके ठीक बगल में जो है ना एक बटर का सेक्शन होगा, वहां पे बटर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने अगर ब्रेड परचेस किया, तो उसमें वो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे कि कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है जो हमारे कस्टमर्स विजिट करते हैं, और कितने परसेंट, सपोज दैट कि जितने भी विजिट करते हैं, 10 पीपल्स विजिट करते हैं, और 10 में से 6 पीपल जो है वो ब्रेड ऑप्ट करते हैं, मतलब ब्रेड परचेस करते हैं। अब ब्रेड परचेस करने वाले कितने परसेंट मतलब ऐसे लोग हैं जो कि बटर को भी परचेस कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, बटर भी परचेस कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमें देखना है उसमें, ठीक है। तो ये है रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखिए इसमें और देखेंगे एसोसिएशन रूल, ठीक है। एसोसिएशन रूल इज एनालाइज एंड प्रिडिक्ट द कस्टमर बिहेवियर, ठीक है। सो बेसिकली हियर इन डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, वी कैन एनालाइज द कस्टमर बिहेवियर, हाउ द कस्टमर इज बिहेव्स फॉर पर्टिकुलर आइटम्स, ठीक है ना। उसका बिहेवियर पर्टिकुलर आइटम को लेके क्या रहेगा, इसको एनालिसिस करना है हमको, ठीक है। सो एसोसिएशन रूल यहाँ पे भी यूज होगा। एसोसिएशन रूल एनालाइज द प्रिडिक्शन और द कस्टमर बिहेवियर, इफ देन स्टेटमेंट मेन चीज है। तो अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। और एग्जाम्पल क्या है, ब्रेड एंड बटर का, वही एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे आपको बताया कि ब्रेड और बटर का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। अगर कोई पर्सन है जो ब्रेड परचेस करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बटर को परचेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाई का रूल लगा हुआ है कि एक और एग्जाम्पल है कि अगर कोई पर्सन है जो कि ओनियन परचेस करता है, पोटैटो परचेस करता है, तो सम प्रोबेबिलिटी इज देयर कि वो टोमेटो को भी परचेस करेगा, ठीक है ना, टोमेटो भी परचेस करेगा। इसी तरीके से वाइस वर्सा, अगर वो ओनियन और पोटैटो परचेस करता है, सॉरी टोमेटो परचेस करता है, तो इट मे भी वो पोटैटो परचेस करेगा, ठीक है। तो ये एक कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए हम एसोसिएशन रूल को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं कि किस तरीके से हम इनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करें और एनालाइज करें, ठीक है। यहाँ पे ब्रेड और बटर का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो सपोज दैट कि कोई पर्सन है वो क्या करता है, बटर परचेस करता है, ठीक है ना। अब ब्रेड और बटर के बीच की बात है, बटर तो उसका 20%, ये दो चीजें यहाँ पे लिया हुआ है, एक है आपका सपोर्ट और दूसरा होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। सपोर्ट और कॉन्फिडेंस मतलब हम किसी भी पैटर्न को एनालाइज करने के लिए दो चीजों को हम देखेंगे, और ये जो ब्रेड है दैट इज एक इंसिडेंट है, ठीक है ना, और एक है आपका कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, इट मे भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो मेजर चीजें हैं, एक है आपका सपोर्ट और एक है आपका कॉन्फिडेंस। अब सपोर्ट क्या है और कॉन्फिडेंस क्या है, ठीक है। तो सपोर्ट और कॉन्फिडेंस को किस तरीके से हमें मेजर करना है, तो ब्रेड और बटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि 10 लोग जो है आपके स्टोर में विजिट करते हैं, ठीक है ना, कितने लोग विजिट करते हैं, 10 लोग आपके स्टोर में विजिट करते हैं, और उन 10 में से कितने ऐसे लोग हैं जो बटर को ब्रेड को परचेस करते हैं। ब्रेड परचेस करने वाले सपोज दैट हमने मान लिए कि 7 लोग हैं जो कि क्या परचेस करेंगे, ब्रेड परचेस करेंगे। ये जो यहाँ पे रिलेशन आ रहा है, स्टेब्लिश हो रहा है, ये रिलेशन 7/10, मतलब कि 10 लोग विजिट किए और 10 में से 7 लोगों ने ब्रेड परचेस किया, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट, दैट इज सपोर्ट, ठीक है। अब देखिए 7 लोगों ने आपके बटर को परचेस किया, सॉरी ब्रेड परचेस किया, और इन 7 में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि बटर परचेस कर रहे हैं, तो हमने माना कि
सिक्स या यहाँ पे 45 लिया है, तो 45 लिया है तो मान लेते हैं अपन 2 या 2.5 ऑन एन एवरेज 45% यहाँ पे निकाला है, तो ठीक है ना। तो ये